नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। रविवार को गुरुग्राम के वार्ड नंबर 10 के लक्ष्मण विहार का वातावरण श्री श्याम के रंग में रंग गया। पीले झंडे हाथों में थामे श्याम प्रेमियों का ये हजूम सेक्टर 4 के श्री राम मंदिर से ध्वजा यात्रा के आगमन के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर पार्षद शीतल बागड़ी, पूर्व पार्षद मंगत राम बागड़ी, पूर्व डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया, पार्षद सीमा पहुजा, एडवोकेट गजेंद्र सहरावत समेत अनेक गणमान्य लोग इस यात्रा का हिस्सा बने। लक्ष्मण विहार के आगमन पर मंगत राम बागड़ी द्वारा पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए मंगत राम बागड़ी ने कहा कि ये उनके लिए बहुत गर्व का पल है कि बाबा श्री श्याम की झांकी व उनके भक्तों के चरण उनके वार्ड में पड़े और उन्हें उनकी सेवा का मौका मिला। हम इस ध्वजा का तहे दिल से, जो इसके अंदर सब जुड़े हैं, लोग आए हैं, तहे दिल से उनको नमन करते हैं और बहुत बहुत उन सबका धन्यवाद करते हैं कि आप सब इस ध्वजा में शामिल हुए। तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम सब लोगों ने मिलजुल के किया है। श्याम सलोना परिवार के नाम से एक मंडल बनाया हुआ है, लक्ष्मण विहार में फेस वन में है। उन्होंने, जांगू जी इसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम किया था। तो हमारी तो सिर्फ ये ड्यूटी लगी थी यहाँ पर कि भाई आप जो भी आएँ शाम, इसमें मंडल के जो भी शोभा यात्रा आएगी उसके अंदर आप लोगों ने स्वागत करना है। तो जितना भी हमसे हो सका हमने प्रयास किया बढ़िया से बढ़िया करने का, और हम सभी का जो इस ध्वज यात्रा के अंदर सब जो इकट्ठे हुए आए, सबका तहे दिल से हम दोबारा से प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। तकरीबन हजारों की संख्या में लोग थे, महिलाएं और सब मिला के हजारों की संख्या में तो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए ही थे। संदेश तो यही देना चाहूँगा, जब भी कोई ध्वज यात्रा होती है तो उसके अंदर मिलजुल के सब लोग काम करें, सब लोग इकट्ठे होकर काम करें। जो कम से कम ये संदेश जाए कि लक्ष्मण विहार जो वार्ड है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की, एक बाबा खाटू श्याम की एक प्रार्थना करते हैं लोग बाग यहाँ पर। इस मौके पर श्री श्याम ध्वजा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए पार्षद कार्यालय पर जलपान का प्रबंध किया गया एवं पार्षद द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया कि उनके वार्ड में इस प्रकार धार्मिक आयोजनों के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे ताकि समाज में और आने वाली पीढ़ी में आध्यात्मिक संस्कारों का संचार होता रहे। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।